तो बात करें हमारे सबसे पहले अपडेट की, तो विजय की अपकमिंग फिल्म मास्टर, जिसका हिंदी में नाम रखा है विजय द मास्टर, तो इस फिल्म का आज फर्स्ट लुक हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया है। इस फिल्म को हिंदी में प्रोड्यूस करेंगे बिग फोर यू मूवीज़ और ये फिल्म 14 जनवरी के समथिंग हमें थिएटर्स में देखने को मिल सकती है। तो बात करें हमारे अगले अपडेट की, तो डार्लिंग प्रभास की आने वाली फिल्म सलार, जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील, तो इस फिल्म की शूटिंग 18 जनवरी से हैदराबाद में शुरू होगी और इस फिल्म को 4 महीनों तक लगातार शूट किया जाएगा, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स डिसाइड किया है कि इस फिल्म को 2021 दशहरे पर रिलीज करना है। तो अब देखते हैं इस फिल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट होती है और ये फिल्म कब तक हमें थिएटर्स में देखने को मिलती है। तो बात करें आज की हमारी दूसरी खबर की, तो विजय की फिल्म मास्टर 13 जनवरी को मकर संक्रांति पर थिएटर में रिलीज होने जा रही है और साथ ही साथ रवि तेजा की फिल्म क्रेक भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है और राम पोटेनी की फिल्म रेड भी 14 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है, क्योंकि मेकर्स ने डिसाइड किया है कि अब फिल्म का कलेक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है और ऑडियंस को फिल्मों में काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा है। तो कोरोना वायरस के जाने के बाद अब थिएटर्स खुल चुके हैं, साथ ही साथ साई धर्म तेज ने भी अपनी फिल्म सोलो बेतु के 100 बेटर रिलीज कर दिए, जिसको ऑडियंस को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस फिल्म का फर्स्ट दिन का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्में अब धीरे धीरे थिएटर्स में लाना शुरू कर रहे हैं। तो बाहुबली के विलन राणा रघुपति अपनी अपकमिंग फिल्म हाथी मेरा साथी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी है और ये फिल्म 14 जनवरी मकर संक्रांति पर हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। जिस फिल्म के तमिल और तेलुगु वर्जन में हमें विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे, वही इस फिल्म के हिंदी वर्जन में हमें पुलकित सम्राट देखने को मिलेंगे। तो इस फिल्म में राणा रघुपति का एक डिफरेंट रोल है, तो देखना होगा कि फिल्म आप कैसी होती है। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि नई मूवीज़ की अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।